कैसा होगा अगर आप पूरे बेकार हो और अचानक से आपके दादाजी मर जाते हैं और आपके लिए पूरी जायदाद आपके लिए छोड़ के जाता है, बिजनेस वगैरह सारी चीजें, मतलब बंगलो प्रॉपर्टी सारी चीजें छोड़ के जाए। मजा होगा ना बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही कुछ हुआ है, तो इसी को लेके आज का गेम प्ले है। मुझे पता नहीं एक्चुअली इस गेम पे है क्या क्या नहीं, क्या करना होगा क्या नहीं, बट जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंगली मुझे कोई सुनसान जगह पे घर दिया जाएगा और मुझे बिजनेस वगैरह करके अपना दिन गुजारना पड़ेगा। पता नहीं कैसे करेंगे, तो अभी थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि कौन सी गेम खेलने वाली हूँ मैं। तो बिना देर के फटाफट से पहले गेम पे चलते हैं, ठीक है ना? होला जी अस गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अरिका आज पहली बार के लिए खेलने जा रही हूँ रन सिम्युलेटर। ओके ओके ओके, गेम पे तो मैं घुस चुकी हूँ, बट द मेन फैक्ट इज सच में इधर पे कोई नहीं है, जगह पूरा खाली है और एक सुनसान जगह पे मुझे बंगलो, छोड़ो यार ये तो कोई बंगलो नहीं है, ये तो कोई कबाड़ खाना जैसे दिख रही है, और इधर पे कोई चिट्ठी वगैरह दिख रही है यार। तो एक सेकेंड इसको वो पहले देख लेते, ठीक है ना? ओके, तो दादाजी का इधर पे चिट्ठी है। हेलो ग्रैंड चाइल्ड, इफ यू रीड दिस लेटर देन यू एग्री टू फुलफिल माई लास्ट विल एंड केम टू आवर फैमिली रंच। इट इज डिसोलेट बिकॉज आई डिडेंट हैव द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू डील विथ इट। कमिंग टू द हाउस आई लिफ्ट अ फ्यू थिंग्स इन द एटिक दैट विल हेल्प यू। ओके, आई बिलीव इन यू, योर लविंग ग्रैंड फादर। ओके, तो जो बंगलो है ना उसके अंदर कुछ रखा हुआ होगा, बट ये तो आई थिंक नहीं है। तो सामने कोई, ओके, तो अभी इधर पे एक टेंट दिया गया। एक सेकेंड, इसका काम क्या है? अच्छा, इधर पे मैं गेम को सेव कर सकती हूँ और इधर मैं सो भी सकती हूँ। यार अगर मुझे बंगलो दिया गया तो फिर मैं इधर पे क्यों सो? तो मैं, अरे लड़की उठ जा यार, अभी सोने का वक्त है क्या? दोपहर को कौन सोते ही? अरे उठ जा यार, उठा दे कैसे? ओके ओके ओके, समझ गई। ओके, तो अभी मेरे को जो पता चला कि इधर पे दादाजी ने अपने घर पे मेरे लिए कुछ छोड़ के गया है, शायद खजाना वजाना होगा क्या, पता नहीं। अभी चलो फटाक से एकदम चलते। ये बंगलो, मतलब ये रियली ये वाला हाउस? ओके, तो कोई बंगलो बंगलो नहीं है यार ये तो। ओके, मतलब एक कबाड़ खाना टाइप्स का हाउस छोड़ के गया यार मेरे लिए। तो अभी इधर पे ये भाई साहब, ये तो खतरनाक वाला टूटा फूटा एक घर है। अरे यार, इधर से घुसने तक, मतलब इधर पे एक तप्पी दे के रखा हुआ है कि कुछ भी करके ये बस इधर पे खड़ा रहे, मतलब ओके इधर पे एक रास्ता मिल चुकी है मेरे को। तो अभी इधर से चलो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, बाकी इधर पे एक रेडियो भी है। चलो, ओ माय गॉड, ये चलता भी है। तो अभी जितना मुझे पता चला कि अभी तो इधर पे मेरे लिए कुछ छोड़ के गया है, बाकी गेम का जो लैगिंग है उसको थोड़ा एडजस्ट कर ले, क्योंकि मेरे भाई साहब इधर पे गेम बहुत लैग होती है, पता नहीं क्यों। अभी मुझे तो इधर पे सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल रही है, तो अभी इधर पे डेमोलिश करना पड़ेगा, है ना? तो चलो फटाक से इसको रिमूव करते और इधर से घुसने पे, ओके इधर पे ट्रस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है, तो साड़ी को मैं इधर पे क्लीन वगैरह कर देती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने इधर पे क्लीनिंग व्लीनिंग कर दिया, तो और इधर पे ऊपर तो चली आई हूँ। तो मुझे, ओके 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 ओके, उधर पे मुझे एक बॉक्स जैसी कुछ दिख रही है, तो इधर से जाऊंगी तो भाई गिर सकती हूँ कभी भी। एक सेकेंड यार, इधर से बिल्कुल सावधानी से जाना पड़ेगा, भाई साहब पूरा टूटा फूटा है यार। ओके, तो इधर पे, ओके तो इधर पे मेरे को एक पिस्तौल मिला, कुछ कैश मिला मेरे को यार। एक सेकेंड, कैश ले लेते हैं इधर से। और इधर पे मेरे को जितना दिख रही है गोली वगैरह दिख, ज्यादा नहीं यार, $500 छोड़ के गया मेरे के लिए सिर्फ। और इधर पे गोली वगैरह मैंने उठा लिया, और इधर पे और एक चिट्ठी। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है, टेक दिस रिवॉल्वर इन द फॉरेस्ट, देयर आर मेनी वाइल्ड एनिमल्स दैट कैन कॉज यू ट्रबल, आई हैव लेफ्ट सम मनी एंड एमो, वन मोर थिंग, यू विल नीड अ कार इन द गैरेज एट द एंट्रेंस टू द रंच, देयर इज एन ओल्ड यूटीवी, यू विल नीड टू यूज स्पेयर पार्ट्स यू फाइंड हियर टू फिक्स इट अप, गुड लक। तो जितना मुझे पता चला कि दादाजी ने मेरे लिए कार भी छोड़ के गया है, कोई यूटीवी बोल के कोई एक कार छोड़ के गया है, बट वो कार भी सही नहीं है, उसको फिक्स करके मुझे चलाने के लिए बोला जा रहा है। तो ठीक है, ठीक कर लेंगे, उसके बाद ही चलाएंगे, बट इससे पहले मैं थोड़ा इधर पे देख लेती हूँ। भाई साहब इधर पे रहना खतरों से खाली नहीं है, कभी भी ये टूट के गिर सकती है, सीरियसली घर का हालत बहुत खराब है, और इधर पे बहुत सारे ट्रश वगैरह सारे कुछ बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है, पता नहीं कब का पिज्जा वाला, सॉरी पिज्जा वाला नहीं होगा यार, कुछ
और ही पैकेट वैकेट होगा। और इधर पे कितने सारे देखो ब्लैंकेट वगैरह सारे इधर पे भाई पड़ा वड़ा हुआ है। तो ये साड़ी को मैं इधर पे फटाफट से क्लीन व्लीन कर देती हूँ, थोड़ा बहुत मैंने इधर पे क्लीन कर दिया। तो अभी चलो फटाक से एकदम बाहर चलते, ठीक है ना, बहुत हो गया उससे पहले। ओके ये तो देखो एक सेकंड, स्टीकर लगा के रख दिया था यार घर पे, घर का हालत देख रहे हो, देखो स्टीकर लगा हुआ है भाई साहब, मतलब जुगाड़ करके रख दिया यार, जुगाड़ लगाया इधर पे, ये कोई बात होती है। तो अभी इधर पे लैम्प वैम्प हटा के चलो यार, बहुत काम कर लिया, मेरे को ऑन नहीं करना। ये बंगलो नहीं है यार, ये कबाड़ खाना, ये भूतिया बंगलो मेरे को दिख रही है, जहाँ पे मुझे ये प्रॉपर्टी तो दिया गया बट रांच मेरा इधर पे बहुत प्रॉपर्टी तो काफी खास दिया गया हुआ है, बट इधर पे चारों जंगल और पहाड़ी इलाका है। ओके तो अभी इधर पे मैं गाड़ी छिपी तो घुस चुकी हूँ, बट इधर पे काफी रात हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि छोड़ते हैं भाई अभी के लिए, थोड़ा घर पे आके ही सो जाते। तो चलो अभी सुबह भी हो जाते हैं, तो अभी फटाक से एकदम इधर से निकलते हैं और देख लेते हैं उस गाड़ी का हालत क्या है। उससे पहले सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, ऊपर से मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है करना क्या है घंटा इधर पे। तो इधर पे मेरे को एक सीट मिला भाई साहब, सीट इधर पे, गाड़ी उधर पे, सीट इधर पे, पर क्यों ऐसा क्यों, हंसी आ रही है मेरे को यार। ये गाड़ी को ठीक करने के लिए मेरे को ऐसे दौड़ दौड़ के चीजों को कलेक्ट करके लेके जाना पड़ेगा क्या? तो गाड़ी को देखो, मतलब गाड़ी में कुछ है ही नहीं, ना सीट है ना चक्का है, कुछ नहीं है यार, ये गाड़ी है या फिर और कुछ है। तो अभी चलो इधर से मुझे एक चक्का भी मिल चुकी है, तो इस टायर को लेते हैं और गाड़ी पे सेट कर देते। तो अभी तो मैं इधर पे एक चक्का को सेट कर देती हूँ, अभी चलो बाकी सारे पार्ट्स के इधर है मेरे को नहीं पता। तो अभी इधर से मैं तो निकल जाती हूँ, अभी सामने की तरफ मुझे और एक ब्लिंक दिखाई दे रही है। ओके एक ही ऐसा इधर पे और एक सीट मिल चुकी मेरे को, तो चलो फटाक से इसको लेते हैं, जाने के बाद इसको भी लगा देते, ठीक है ना। तो अभी इधर पे तो आ चुकी हूँ, अभी इसको भी वही से लग गई, अभी टायर वगैरह जुगाड़ करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ पे टायर वगैरह होगी। तो अभी इधर पे मुझे और एक टायर का ब्लिंक दिख रही थी, तो चलो इधर से भी मेरे को एक टायर मिल चुकी है, तो फटाक से जाके इसको भी लगा देते, बाकी गेम का लैग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बताया मैंने कि गेम का लैग होगा, ठीक है ना। तो अभी इधर पे अभी चलो सेकेंड तो हो गया, आई थिंक थर्ड, ओके ये क्या है, ये भी कुछ होगा, ब्लिंक तो दिखा रही थी, अभी लग रही है मेरे को गार्ड होगा, समझ रहे ना, सामने गार्ड भी तो खाली थे भाई साहब, दादाजी ने तो गाड़ी का पूरा एकदम मतलब खुला बुला छोड़ के एकदम मतलब खराब करके रख दिया। तो अभी इधर पे मुझे और तीन तीन ब्लिंक दिख रही है, बाकी वो तीन अगर कलेक्ट कर लेती हूँ। ओके तो इधर पे और एक टायर मिली मेरे को, तो चलो इसको भी उठा लेते हैं, अभी इसको भी लगा देते हैं टायर के जगह पे, भाई बहुत ज्यादा मेहनत करवा रही है कुछ भी बोलो। ओके लास्ट टायर इधर पे ये गैरेज पे, ये गैरेज पे, ये तो इसको लगा देते, चलो फाइनली हो चुकी है आई थिंक अभी। ओके और कुछ है, ये क्या है, ये आई थिंक फ्यूल टैंक वगैरह होगा, भाई साहब फाइनली मेरा इधर पे गाड़ी बनके रेडी हो चुकी है। अभी ये जेरी कैन को उठा लेते और गाड़ी के डिक्की में इधर पे रख देते, ठीक है ना, क्योंकि जेरी कैन के बिना अपना फ्यूल वगैरह मैं ले नहीं सकती, तो इसलिए मुझे जेरी कैन को इधर पे कैरी करना पड़ा। मुझे जितना समझ आ रही है अभी के लिए, मुझे अभी तक नहीं पता कि क्या करना है। तो ओके तो एफ दबाने पे भाई साहब गाड़ी ऑन हुआ, भाई साहब मैं तब से इधर पे सामने के जाने की कोशिश, बट वो नहीं रही थी, बट इधर पे फाइनली हो जाती है। एफ दबाने से गाड़ी स्टार्ट हुआ और एल दबाने से इधर पे लाइट ऑन होती है, नाइस यार। तो अभी गाड़ी ऐसे नहीं स्टार्ट होती है, समझ रहे हो ना, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा और चल जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। बाकी इधर पे रास्ता काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खुफिया जंगलों से ये रास्ता निकल रही है, बट मैं इधर पे शॉर्टकट लगाने की कोशिश करती हूँ, बट मेरे को नहीं पता चलती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ भाई छोड़ते हैं रास्ता को ही लेते हैं भाई, नहीं तो कहाँ ना कहाँ पहुंच जाएंगे। सामने देख रहे हो भाई जंगल, देख रहे हो भाई साहब कितना ज्यादा घने जंगल है यार। इधर से मैं काम करती हूँ शॉर्टकट ही ले लेती हूँ यार, मेरे को बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही है। ब्लिंक देखो ऐसे दिखा रही है ना कि इधर से मैं अगर सीधे सीधे जाऊंगी तो चली जाऊंगी। ओह हिरन हिरन है यार सामने, ये यार। तो जो भी हो इधर पे मैं तो इधर पे उसको बेचारा को मारा नहीं मैंने, मैं कुछ भी करके उधर पे बच जाती हूँ। तो इधर पे रास्ते से ही जाना सेफ रहेगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो जंगल वाले रास्ता है ना वो बिल्कुल सेफ नहीं लग रही है मेरे को कभी। और सबसे बड़ी बात, दादाजी ने जैसे मुझे बोला था कि कभी भी इधर पे कोई भी जानवर आ सकती है, बट ये कार ऐसे क्यों नाच रही है ब्रो, व्हाट हैपेंड टू यू ब्रो, भाई गजब है यार, गजब है इधर पे कुछ भी बोले। तो अभी मैं तो इधर पे अपना जो पेट्रोल स्टेशन है उधर पे आ चुकी हूँ, बाकी पेट्रोल पंप पे एक्चुअली। तो अभी इधर पे मेरे को ही फ्यूल देना पड़ेगा क्या, इधर पे कोई लोग वगैरह भी नहीं है यार, फ्यूल पंप खाली पड़ा हुआ है। इधर पता चला कि किसी ने अगर पैसा नहीं दिया तो, बट ऐसे नहीं कर सकते, इधर पे अगर मैं प्रेस करूंगी तभी जाके ये होगा, मतलब मेरे पैसा पहले लेगा ये लोग फिर ही मुझे फ्यूल देगा, बाकी मेरा $1 जैसे शायद इधर पे मेरा फ्यूल पे गया। अभी जेरी कैन तो भर लिया, अभी गाड़ी पे भी लेके मैं दे देती हूँ, बाकी
पता नहीं। ओके चलो, ये दबाने से फिर से इधर पे फ्यूल का पैसा काट रही है फिर से मेरा इधर पे। चलो भाई साहब, इधर पे पैसा वैसा बहुत दे दिया, अभी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तो इधर पे रख देते हैं अपना और इधर पे हम निकल पड़ते हैं। ओके तो गाड़ी देखो लेट हुए भाई साहब, नाच रही है, डांसिंग कर रही है सारे इधर पे, जितने भी गाड़ी जा रहा है भाई। हेलो, ये क्या हो रही है यार, भाई साहब गलत सीन हो रही है यार इधर में तो, भाई मैं टोक दिया यार, ये हो क्या रही है यार, मतलब गजब गजब मेरे ही गेम पे ऐसे उल्टा पुल्टा। मैं तो फिर भी चलो एडजस्ट करके खेल रही हूँ, तो चलो अभी सामने की तरफ चलते हैं। और इधर पे अभी मेरे को जो लग रही है सामने मुझे कुछ कार शॉप है, कोई एक कार शॉप तो उसमें विजिट करने के लिए बोल रही है, तो आई थिंक मेरे को जितना समझ आ रही है पेट्रोल स्टेशन तो समझ आ गई, बाकी सारी डांसिंग का जा रही है यार। तो अभी इधर पे सामने, ओ माई गॉड, इधर ये सुनसान जगह पे इतना सुंदर एक शॉप भी है, आई मीन सीरियसली ब्रो, ऐसे भी हो सकती है। तो चलो एकदम अच्छे बच्चे की तरह मैं इधर पे गाड़ी को पार्क कर लेती हूँ, समझ रहे हो ना, इतने अच्छे एक शॉप पे आई हूँ। बाकी जमीन इधर पे सस्ता में मिल रही थी तो बहुत बड़ा इधर पे जगह ले लिया, तो अभी मैं बैंक पे आ चुकी हूँ, तो इधर पे मुझे लोन दे रहा है। यस, तो $2,500 30 डेज के लिए मिल रही है, अभी 25% इंटरेस्ट रेट पे। ओके तो 86, वो जो भी हो, मतलब जो भी मैं इधर पे लूंगी तो उसके लिए मुझे उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट भी करना पड़ेगा। ओके तो अभी इधर पे मैंने इससे बात किया, जो कि बहुत ही बकवास बात करी, मेरे को नहीं चाहिए, तो इसने मुझे एक बिल्डिंग सिस्टम का एक बुक दे रहा है और बोल रहा है कि इसको हम, ओके समझ गई यार, अगर मैं बिल्डिंग वगैरह बनाऊंगी तब ना करूंगी, अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और बाकी इधर पे मुझे एक कार का जो शॉप है इसमें जाने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि ओ माई गॉड यार, ये तो काफी बड़े एक कार शॉप दिख रही है, बट इधर पे कोई कार तो है नहीं, तो अभी क्या करूं, मतलब इससे बात करना पड़ेगा। अरे भाई मेरे को अभी कार वगैरह नहीं, कुछ नहीं जानना भाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए इसने बोला, तो मैंने सोचा एक बार देख ही लेते। इधर पे एक UTV कार है जो कि मेरे पास ऑलरेडी है $800 की, और इधर पे और एक कार है, ओके पिकअप कार है इधर पे, $1,600 लेना पड़ेगा इसको। और इधर पे $500 पे एक ATV मिलेगा मेरे को जो ग्रास काटती है ना, और इधर पे $800 पे एक पिकअप मिलेगी। ओके ये वाला बहुत अच्छी है, ढाई तो बट बहुत बड़ा है, और सेडान मिल रही यार, ये यार साफ मिल रही यार, ये भाई साहब इतना गंदी गंदी कार है यार, ट्रैक्टर, ओके हार्वेस्टर, ओके 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 समझ गई, बट अभी मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ $500 की मालकिन हूँ सीरियसली, क्योंकि मेरे पास, ओके ब्रो हेलो, इधर पे गाड़ी, आपको हेल्प चाहिए, हेलो कोई कोई कोई, भाई साहब इधर पे क्या हो गया, इधर पे मैं चढ़ सकती हूँ क्या, नहीं यार नहीं चढ़ने दे रहा यार, ये तो गलत सीन हो गया यार, इधर पे तो चढ़ने तक नहीं दे रही है, और ऊपर से भाई इधर पे ये एक्सीडेंट हो गया और मैं हेल्प भी नहीं कर पा रही हूँ, कैसे इंसान हूँ, मेरे ही जगह पे आए हैं ये लोग और इधर पे मैं कुछ हेल्प वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी मुझे जितना बोला गया कुछ एक काम करवाना पड़ेगा, तो $10 लगा के मैं इधर पे रेडियो लगा देती हूँ, तो अभी मेरे पास, ओके हाउस होल्ड बैलेंस 678। अच्छा एक बात बताना, मेरे को ना $500 मिली थी, जितना मुझे याद है दादाजी ने मेरे को $500 दिया था है ना, और इधर पे मेरे पास अभी $678 बची हुई है भाई, इधर पे गजब है यार, सारे कार डांस कर रही है यार, क्या हो रही है यार, मेरे को बहुत मन कर रही है कि इन लोगों के पास जाके घूमू मैं, बट अभी रास्ता मुझे जितना दिखा रही है इधर से मुझे सामने की तरफ जाना पड़ेगा, तो इधर से रास्ता तो मैंने पकड़ लिया, बट रास्ता काफी सुंदर है, बट ये लोग क्यों डांस कर रही है मेरे को नहीं पता, बाकी मेरे ड्राइविंग स्किल पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। इधर पे एक्सीलेटर दबाने की जरूरत ही नहीं है, गाड़ी ऐसे ही चल पड़ी है यार, इधर पे करूँ तो क्या करूँ और नहीं करूँ तो क्या नहीं करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही है। तो अभी इधर पे मैं तो आ चुकी हूँ ये वाला शॉप पे, तो अभी शॉप भाई इधर पे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी जमीन लेके रखा हुआ है यार, मतलब चलता नहीं है बट जमीन बहुत बड़ी बड़ी है। तो चलो यार मेरे को बाहर नहीं रखा, मैं पूरा अंदर लेके जाने वाली हूँ कार को, तो क्योंकि देखो भाई पहले तो इधर पे कोई शॉप में लोग नहीं है, और दूसरी बात मेरे को अकेले ही काम करना पड़ेगा, तो आ तो गई हूँ। ओके तो इधर से मैं हाउस होल्ड चीजों को खरीद सकती हो, तो इधर पे बहुत सारी चीजें हैं, वुड प्लैंक्स है, मेटल प्लेट्स वगैरह, ओके तो देखो स्मॉल ट्रेलर, कार ट्रेलर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ओके तो मैं काम करती हूँ, इधर से मैं सिर्फ चीप टेबल 100 को इधर से खरीद लेती हूँ, ठीक है ना, और इधर पे क्रोबार और एक एक्स को ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे सारे कुछ तोड़ फोड़ करना है, फिर अपना जो पेड़ वगैरह वो भी काटना है, मतलब साफ वगैरह करना है ना, तो इसके लिए मैंने, हेलो बाहर क्यों रखे हो आप लोग, और क्या देखे गया भाई, कौन देखे गया मेरे को तो दिखा नहीं, तो इसको उठा लेती हूँ, एक साथ ले सकती हूँ क्या, एक सेकंड, हाँ यार इसको भी उठाने दे रहे, तो चलो इसको उठा लेते,
अभी और कुछ नहीं ले सकती हूँ आई थिंक हाथ में, तो जाके काम करती हूँ, गाड़ी पे लगा देती हूँ, मतलब रख देती हूँ इसको भी, तो इसको एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। गाड़ी बहुत छोटी है मेरी इधर पे, और अभी पैसा भी नहीं है कि $500 उड़ा दूँ इधर पे, ऐसा भी पैसा नहीं है। तो चलो इधर पे सारी चीजें मैंने इधर पे खरीद ली, अभी जो कहना है अभी बस इधर से हमको निकलना है, निकल के बस घर जाना है। तो अभी चलो मैं भूल गई थी फिर से, तो ये दबा के अपना गाड़ी को ऑन करना पड़ता है, यही भूल जा रही बार बार। तो अभी इधर से एक सेकेंड, इधर से मैं लेफ्ट से आई थी ना, चलो तो इधर से मैं निकल जाती हूँ। अभी बहुत सारे काम और भी करना है, क्योंकि अभी मेरे को जनरल स्टोर भी जाना है। ऊपर से देखो इवनिंग हो चुकी है, समझ रहे हो ना, मतलब सूरज अभी डूबने वाला है, उसके बाद अंधेरी छा जाएगी। अगर अंधेरी छा जाएगी तो बहुत फंसने वाले, क्योंकि एक चीज को आप लोग ध्यान दो, जस्ट रोड पे एक सिंगल लाइट तक नहीं है, दिख रहा है दूर दूर तक कोई सिंगल लाइट मेरे को नहीं दिख रही है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। क्योंकि रात को इधर पे अगर लाइट नहीं रहेगी तो भाई, तो इधर पे पूरा जंगल माहौल पूरा एकदम खतरनाक बनने वाली है यार, है ना। तो अभी मैं काम करती हूँ, देखो 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 भाई साहब कितने जल्दी जल्दी रात हो रही है, तो फटाफट चलते हैं यार। बट स्टोर तो काफी दूर है, मुझे नहीं लग रही है कि मैं पहुंच पाऊंगी यार समय से पहले। तो लाइट को तो ऑन उश्टी यार, भाई क्या हो रहा है यार इधर पे मेरे साथ आज, भाई साहब रात हो गई। अब अभी फटाफट से चलो इधर से निकलते सामने की तरफ, और अपना जो जनरल स्टोर है उससे मुझे कुछ चीज़ें भी खरीदना है, क्योंकि मुझे अभी बिजनेस भी स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो अभी इधर तो आ चुके हो, बट काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, कुछ नहीं दिख रही है लिटरली, और रोड बहुत खतरनाक हो चुकी है। क्योंकि पहली बात तो रोड पे एक लाइट नहीं है, और दूसरी बात भाई जनरल स्टोर देखो कैसी खुफिया जगह पे जनरल स्टोर है, भाई साहब इधर पे आना भी बहुत टफ होती है। तो अभी इधर पे मैं तो आ चुकी हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगी, मैं पहले घर चली जाऊंगी, फिर सुबह सुबह निकलूंगी, इवनिंग से पहले मुझे कुछ भी करके घर जाना है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो इधर पे तो आ चुकी हूँ, ये बंदा मेरे से बात तो कर रहा है बट बहुत ही फालतू सा बात कर रहा है। तो जो भी हो मुझे इधर पे एक एक बास्केट और मुझे चिकन चाहिए, ठीक है। तो आई मीन देखो पहली बात तो इधर पे बहुत सारी चीजें हैं बट बहुत प्राइस में है, जो कि मेरे पास बिल्कुल इतना पैसा नहीं है। तो मैं काम करती हूँ, एक सेकंड सारी चीजों को पहले देख लो, भाई साहब कितने सारी चीजें हैं इधर पे। ओके ओके ओके, तो अभी देखो देख लिया मैंने सारी चीजें, बट अभी तो खरीदने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, इधर से मैं एक चिकन ले लेती हूँ, नहीं एक काम करती हूँ दो चिकन ले लेती हूँ, बट ये व्हाइट वाला चिकन ही लेती हूँ, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत कम है। तो 50 रुपीज से मैंने ले लिया, आई मीन $50 से, और एक एक बास्केट को भी ले लेती हूँ, तो लगभग मेरे इधर पे हो गया $110। तो चलो अभी परचेज भी मैंने कर लिया, खुद से ही करना पड़ेगा, अभी 323 बैलेंस मेरे पास पड़ी हुई है, बाकी इसने बाहर रख दिया यार, मेरे को दिख नहीं रही है भाई। पहली बात तो इतना अंधेरी है, और दूसरी बात तो बाहर रख दिया। अभी मुर्गा देखो चले जा रहा है यार, मेरा मुर्गा इधर पे, भाई साहब भाई रुको रुको रुको, ये मुर्गी रुक जा यार, रुक जा, तेरे को पहले ले दियो बास्केट, बाद में देखा जाएगा। तो अभी इसको लेके भाई साहब देखो देखो रुको रुको, इसको पहले रख देती हूँ यार, भाई इधर पे गलत ही सीन हो जाता अगर मुर्गी चली जाती, मेरे को दिख भी नहीं रही है, और सेकंड वाला मुर्गी भाई अंधेरे में खो गई यार, मेरे को दिख नहीं रही है यार। नहीं, ये कैसा गेम है यार, मैंने क्या गलती कर दिया यार, मेरे को मुर्गी दिख भी नहीं रही यार, सेकंड वाला मुर्गी मेरे हाथ से चली गई यार, मेरे को खो गई यार, क्या हो गया यार, शिट यार। तो अभी चलो घर चलते हैं यार, फालतू का $50 मेरा इधर पे लॉस हो गया। वो मुर्गी नहीं दिखा यार मेरे को, कहाँ चली गई, शायद जंगली ने खा लिया, पता नहीं, दिख ही नहीं रही थी, अभी मेरे सामने ही था बट अचानक से गायब हो गई यार। तो अभी इधर से चलो निकलते हैं, समझ रहे हो ना। तो रात तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, दिख तो कुछ भी नहीं रही है सही से, सामने देखो गाड़ी वाड़ी जा रही है, भाई 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 भाई, भाई जंपिंग कर, शर्म कर यार, मेरे मेरे को ठोक दिया। तो कुछ भी करके बहुत कष्ट करके मैं फाइनली अपने घर आ चुकी हूँ, ठीक है ना। रास्ता का सीन ना मुझे दिख रही थी ना आप लोगों को दिखाना चाह रही थी मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भयंकर वाला अंधकार हो चुकी थी। तो अभी मैंने इधर में मुर्गी को तो निकाल लिया, और अभी मेरे पास जो एक रूम है ना, जो पहले मैं जिस रूम पे आई थी उस रूम पे आके मैं इसको रख देती हूँ। अभी इधर पे एक बोरिया रखा हुआ है, तो इस बोरिया को खोलने बोल रहा है, तो खोल तो दिया, अभी इसका प्लास्टिक को भी हम खोल देते हैं एक सेकेंड, तो इसको खोल देंगे तो ये आई थिंक ये मुर्गी वाला खाना है, तो खा ले मुर्गी इधर पे बैठे बैठे। और अभी मैं काम करती हूँ, मैं जाके ना पहले सो जाती हूँ, समझ ना, क्योंकि इतना अंदर है मेरे को कुछ नहीं दिख रही है। तो अभी मेरे को लाइट वगैरह भी लगाना है यार, बट कैसे लगाया जाता है मुझे नहीं पता, लगाए जा भी सकते हैं अभी नहीं, मुझे वो भी नहीं पता। तो अभी इधर से फटाफट से एकदम निकलते हैं, और सुबह सुबह मैं एकदम निकल पड़ी हूँ, और अभी मेरे को जो दिख रही है भाई वेदर काफी ज्यादा सुंदर होके रखा हुआ है, और इतना सुंदर पहाड़ी इलाका में किसको अच्छा नहीं लगे मेरे को। तो अभी तो मैं इधर पे आ चुकी हूँ, अभी मेरे को ये बोर्ड है ये जाल लेके कहीं पे जाने के लिए यार। तो अच्छा अच्छा
अच्छा समझ में आ रही है, तो इस जार को आई थिंक ये वाला जार को भरना पड़ेगा, मतलब ये वाला जो बाल्टी है इस बाल्टी को आई थिंक भरना पड़ेगा यार। तो एक सेकंड एक काम करती हूँ, इधर पे मैं रख कर दूंगी। ओके तो इधर से नल के मदद से इधर पे पानी भर रही है यार। नाइस यार, ये देखो पानी भी भर चुकी है। आई थिंक ये मुर्गी के लिए, बट मुर्गी तो इधर पे है ही नहीं। ये भाई हेलो, मुर्गी किधर चली गई? भाई मेरी मुर्गी खो गई यार। वही गलत सीन हो गया मेरे भाई, मेरे को हंसी भी आ रही है, खराब भी लग रही है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रही है। तो जो भी हो, अभी मुझे इधर पे बोला जा रहा है कि कुछ मैं इधर पे बिल्ड कर सकती हूँ। तो इधर पे देखो इस बुक में भाई साहब खतरनाक खतरनाक चीजें है। आई मीन इतना गरीबी भाई, नो कमेंट्स यार, कुछ ही बोलो। तो इधर पे सारे लकड़ी का चीजें मेरे को जो दिख रही है, तो इधर पे मैं ना बना के देखती हूँ। मतलब इधर पे ये मतलब डायरेक्ट बन जा रही है क्या? भाई साहब इधर पे कोई मेहनत नहीं है क्या? बस मैं लगा दे रही हूँ बन जाएगी, ऐसा है क्या? एक सेकेंड भाई, अगर ऐसा है तो भाई, तो भाई इधर तो अलग ही लेवल है। मैं तो मतलब मेंशन बना लूंगी यार इधर पे। अभी इधर पे देखो मैं सारे इधर पे जितने भी सारे इधर पे फाउंडेशन है सारे को मैं लगा देती हूँ। बाकी इधर पे पेड़ के वजह से, भाई पेड़ तो इधर पे मेरे दिल पे की हुए बबुआ। तो भी इसको भाई इधर पे हम हटा देते, इसके बाद इसको चॉप कर सकती है। अच्छा जी, तो इसको अचानक से मैं चॉप भी कर सकती हूँ भाई इधर पे। तो लॉजिक का एकदम मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता यार, इधर पे लॉजिक अलग ही दे दिया। तो अभी जो भी हो, इधर पे मेरे को इधर पे एक साथ नहीं ले सकती हूँ। अभी इधर पे एक एक करके मेरे को साफ करना पड़ेगा क्या भाई? ये तो गलत सीन है। तो अभी इधर पे मैं एक एक करके सारे को हटाऊंगी, तो जो कि बहुत ही ज्यादा दिक्कतें देने वाली। अगर इतने बड़े जंगल को साफ करके मैं मैंशन बनाने जाऊँ तब तो हो गया बेटा, इधर पे बहुत ही ज्यादा। और ऊपर से मेरा जो पुतला है वो इतना स्लो काम कर रहा है। तो देखो अभी इतना तक मैं बना चुकी हूँ, बस उसके ऊपर मैं चढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो उधर पे मेरे को पता चलती है भाई, इधर पे खतरनाक वाला सीन हो रही है। तो पता चलती है कि वो बस एक स्ट्रक्चर है, उसको आप लोगों को भरना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अभी इधर पे मैं तो आ जाती हूँ भाई, खतरनाक वाला बिजली कड़क रही है और ऊपर से मैं हूँ डरपोक सबसे बड़ी। मतलब इधर पे भाई साहब पूरा रियलिस्टिक सीन है भाई, बाहर इतने ज्यादा बिजली कड़क रही थी और जैसे ही मैं अंदर घर के अंदर आती हूँ भाई साहब पूरा रियलिस्टिक फीलिंग आ रही है भाई। ये देखो यार, अभी लग रही है ना कि मैं सच में एक जंगल पे आई हूँ यार, अभी थोड़ा फील आ रही है। तो इधर पे मेरे को बहुत सारी, देखो इधर पे फार्म हाउस देखो यार। ओके तो इतने सारे बना सकती हूँ, रेट्रो फार्म हाउस जो कि मतलब सारे रांच लोगों का मतलब एक ये होता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ड्रीम होता है। तो अभी इधर पे मेरे को जो स्मॉल कूप बनाने के लिए दिया है, आई मीन जो मुर्गी रखने वाला जो जगह दिया है मतलब बनाने के लिए बोल रहा है, उसको पहले बिल्ड कर लेती हूँ। मुझे पहले समझ तो ले लेने, तो गेम पे एक्चुअली करना क्या है मेरे को तो कुछ घंटा समझ नहीं आ रही। ऊपर से मैंने राइट वे जो बनाया है वो पूरा भरना पड़ेगा यार, तो ऐसा स्ट्रक्चर तो मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ। मैंने सोचा था कुछ भी बना लूंगी, देखेंगे बाद में, बट ऐसा नहीं। बाकी बिजली इतना कड़क रही है भाई, मेरे को डर लग रही है। तो अभी इधर पे मैं फटाक से एकदम लगा देती हूँ। अभी मेरे को मुर्गी लेके इधर पे रखना पड़ेगा, तो अभी मैं इधर पे आ जाती हूँ। आने के बाद एक सेकेंड रुकना जरा। तो इधर पे मेरे को एक बॉक्स से ओके जेरी कैन को मैं इधर पे निकाल लेती हूँ पहले, और इस जेरी कैन को मैं इधर पे ओके फुएल कर लेती हूँ, है ना, फुएलिंग कर लेती हूँ। तो अभी इधर पे मैंने जेरी कैन को लगा दिया, पता नहीं ये क्यों बोल रहा है, क्या हो रहा है मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रही है। फ्यूल मैंने भरा है या फिर फ्यूल मैंने डाला है मेरे को समझ नहीं आ रही थी। और इधर पे मैंने इसको ले लिया जो मैं खरीद के लेके आई थी, और इसको मैं इधर पे सेट कर देती हूँ। और आगे जाके मैं जो बोल रहा है कि इधर पे मुझे लकड़ी देना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं लकड़ी दूंगी तो कुछ होने वाला है इधर पे। तो मैं लकड़ी लेके आ चुकी, लकड़ी तो नहीं है वुडन लॉग है, ठीक है, तो इस लॉग को लेके मैं तो आ चुकी हूँ, बट इधर लग नहीं रही। ओके 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 समझ आ गई भाई, फ्यूल लगाना पड़ेगा, आई मीन फ्यूल भरना पड़ेगा इधर पे। भाई ये भी फ्यूल से चलता है भाई, सब गलत सीन है। तभी इधर पे मैं काम करती हूँ, फ्यूल को मैं इधर पे लगा देती हूँ। अभी इसको चलाया दिया, अब भी चल रही है, अब भी मैं इधर पे ये वाला लॉक को दे सकती हूँ। भाई साहब ये तो खतरनाक है भाई, आई मीन ये मशीन देखा है ना हम लोग, जो ऊंट के दुकान होता है वो सारे जगह पे ये सारे मशीन्स वगैरह से, आई मीन हाथ से करती है ना, क्या करती है मेरे को पता नहीं। तो जो भी हो, मैंने कभी ध्यान से देखा भी नहीं। तो भाई साहब इधर पे खतरनाक तरीके से पीस होके पूरा पड़ गया यार, सीरियसली बहुत सही है, कुछ भी बोलो। तो अभी इसको मैं इधर पे लगा देती हूँ, बट लगा तो दिया बट दिख नहीं रही है सही से। तो अभी मैंने दो लगा दिया बट कुछ भी नहीं देख रही थी। तो अभी मेरे को जितना मेरे को मैंने गिन लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इधर पे बहुत सारे वुडन लॉक को लेके आ चुकी, और उसके अकॉर्डिंगली मैं बहुत सारे वुडन लॉक को इधर पे ला के इधर पे देखो बहुत सारे इधर पे बना चुकी हूँ। अभी अभी इधर पे फटाफट से साड़ी को लगा देते, ठीक है ना? तो चलो एक तो लगा दिया इधर पे, अभी बाकी भी लगाते जाते हैं, फिर ही पता चलेगा कि एक्चुअली में कुछ हो भी रहा है या फिर सिर्फ दिखाने के लिए
लिए सारी चीजें, तो एक सेकंड सारे को लगा देते फिर ही पता चलेगा, समझ रहे हो ना। तभी इधर पे लगा तो दिया, अभी बस कुछ ही और बाकी है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। एक सेकंड, तभी इसको भी लगा देते, अभी बस हो ही गया। और 11 और 15, एक्चुअली 15 लगाना है इधर पे, तो सारे को मैं लगा देती हूँ फटाक से एकदम। मैं गिन के लेके आई थी और सारे उधर पे वुडन लॉक को लाके ये सारे प्लैंक्स को लगा के, भाई साहब इधर पे देखो एक सेकंड, भाई ये खतरनाक दिगड़ी यार इधर पे। तो मैंने फर्स्ट रांच पे मेरे पहली बिल्ट इधर पे हो चुकी है, इधर पे मैंने एक स्मॉल कूप बना दिया। तो अभी मुझे बोल जा रहा है कि इधर पे मुझे एक घर को तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो इस घर को पूरा तोड़ दूँ क्या मतलब, या फिर ये सारे जो स्टिकर वगैरह इसको तोड़ना पड़ेगा, कुछ तो समझ नहीं आ रही है। बाकी ऊपर जाने बोल रहा है, पहले ऊपर से शुरुआत होगी ये बोला जा रहा है। तो चलो फटाफट से ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके ही देख लेते हैं कि एक्चुअली में ऊपर में है क्या। एक्चुअली ऊपर तो हम लोग देख चुके हैं, जो दादाजी का वो बॉक्स थी वही जगह है, बट उधर पे होगा क्या मेरे को नहीं पता। तो अभी चलो फटाक से चलते हैं, ठीक है। तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली में है क्या। तो अभी मैं तो पहुंच चुकी हूँ, अभी बोल रहा है कि इसको डेमोलिश करने। तो चलो डेमोलिश वाला टूल को, ये तो बिल्ड वाला, चलो डेमोलिश वाला टूल को मैं ले लेती हूँ अभी। चलो फटाक से इसको, ओ भाई 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 भाई, ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, हेलो इधर पे भाई मेरे सर पे क्यों नहीं गिरा भाई, ये तो भाई अलग ही नशा है यार, इसको भी तोड़ते भाई साहब, मजा तो बहुत ज्यादा आ रही है भाई इसको तोड़। अभी सामने चलो, सामने भी तोड़ देते भाई, हम दादाजी का हाउस बनाने आए हैं या भी तोड़ने आए हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही है। तो अभी इसको भी तोड़ते भाई साहब, खतरनाक खतरनाक भाई। तो अभी इधर पे सारे ऊपर वाला पोर्शन अगर मैं नहीं तोड़ूंगी, तब तक मुझे नीचे वाला पोर्शन भी नहीं तोड़ने देगा। तो बाकी इधर पे एक ही और बाकी है, चलो फटाक से एकदम इसको भी तोड़ के फिर इसका चलो फाइनली खत्म। अभी इधर पे दादाजी का बॉक्स भी हम इधर पे तोड़ देते। तो चलो इधर पे ये चिमनी को भी हटाते हैं भाई साहब, चिमनी का हालत देखो भाई, ये लग रहा है ये ईंट का बना हुआ है, लग तो नहीं रहा था। सीढ़ी को भी मैं तोड़ दिया, ओके मैं मुझको लगा गिर गई मैं। तो चलो भाई नीचे जाते हैं पहले, भाई 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 भाई, 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 भाई हाँ सच में यार ऊपर पूरा टूट गया। अभी इधर पे सारे जगह को एक एक करके मुझे तोड़ना पड़ेगा, तो फटाफट से मैं इधर पे तोड़ देती हूँ फिर ही आप लोगों को दिखाती हूँ, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी होने वाला है, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा है, इसको एक एक करके तोड़ना, समझ रहे हो ना, मतलब एक एक करके छोटा छोटा करके तोड़ना पड़ा है भाई, मजा। एक कोई बुलडेजर वगैरह अगर लेके देती मुझे तो मैं फटाक से एकदम तोड़ना देती, बट ये तो अलग ही लेवल है भाई, देखो इसको ऐसे एक एक करके तोड़ना पड़ा है, मजाक कर रहे हो क्या भाई, हेलो। तो इधर पे देखो एक एक करके मैंने सारी चीजों को तोड़ दिया। अभी इधर पे जो भी भाई साहब, इधर पे भाई चेम्बर्स वगैरह सारे कुछ बना हुआ था, देख रहे हो। अभी इधर पे ये भी तोड़ दिया भाई, मजा जो आ रही है ना। अभी देखो फर्स्ट फ्लोर पे आ गई थी मैं, फिर जाके ग्राउंड फ्लोर पे आके इधर पे बाहर जितने भी सारे ट्रॉशेस वगैरह थे, सारी को मैं इधर से हटा देती हूँ, ठीक है। ये देखो ये ट्रॉशेस वगैरह, और इस सीढ़ी को भी चलो हटा ही देते है। अभी इस सीढ़ी को हटाने दे रहे, फर्स्ट फ्लोर आई मीन ग्राउंड फ्लोर को नहीं तोड़ने दे रहे हो भाई, सीढ़ी वगैरह हटाने दे रहे हो भाई, ये तो अलग ही नशा है आप लोगों की। तो इसको भी तोड़ते हैं अभी, चलो इसको भी तोड़ने के बाद बस और यही बाकी है, उसके बाद ये सारे खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तभी इधर पे इसको भी तोड़ते, चलो इसको खत्म करो। अभी इसको भी तोड़ दिया और अभी इधर पे भी तोड़ दिया भाई साहब, ये तो खतरनाक वाला भाई, इतना बड़ा काम दे दिया भाई साहब। फिर भी भाई डे 3 हो चुकी है, अभी मैं सिर्फ इतना ही कर चुकी हूँ, अभी रात भी होने को है यार, जल्दी जल्दी से अगर इसको तोड़ूंगी नहीं तो भाई रहने के लिए, अच्छा अच्छा रहने के लिए तो टेंट पे ही रह रही हूँ मैं, अभी के लिए टेंट पे ही सो जाऊंगी या क्या करूँ, क्योंकि अभी तक देखो मैं इधर पे जो ब्लैंकेट वगैरह थी उधर पे आके सो रही थी, बट अभी अगर ये ऐसा हालत होगा तो भाई बाहर ही सोना पड़ेगा, इतना बड़ा घर है फिर भी इधर पे हम सो नहीं सकते, जंगल में टेंट लगा के सो रही है, व्हाट अमेजिंग एडवेंचरस लाइफ यार। तो चलो हो गया सारे, मैंने इधर पे तोड़ वोड़ दिया, अभी इधर पे नीचे का जो भी ट्रशेस वगैरह है सारी को हटा देते फटाक से एकदम। तो चलो हटा दिया, अभी चलो लास्ट इसको ग्राउंड फ्लोर को, चलो एक ही बार में टूट गया भाई गलत सीने। तो फाइनली मैंने इधर पे अपना दादाजी को हाउस को तोड़ देती हूँ, और इसी के साथ रांच का फर्स्ट एपिसोड भी मैं खत्म कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो रही है अभी। तो अभी तो मैंने इधर पे दादाजी का हाउस तोड़ दिया, अभी मुझे हाउस बनाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत सारी चीजें करना है, बट कैसे होगा वो सारे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे आना पड़ेगा ना, आज भी जाती हूँ, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और आप लोगों से मैं मिलती हूँ एक नई सी वीडियो को लेके नेक्स्ट डे को, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।